सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, कसम से कह रहा हूँ यार, मतलब नहीं नहीं सेटिस्फेक्शन होती है ना भाई यार से। मैं इतनी चीजें सोच के यार ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन भाई नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। पहली बार भाई ने कभी लाइव फॉर्म किया इतने लोगों के सामने, कोई दो तीन चार बार बंदा होगा भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलो गलती से इंसान सीखता है, आने वाले टाइम में यूट्यूब फैन फेस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आग लगा देंगे यार, कोई चक्कर नहीं। बाकी भैया भाई के चैनल को सपोर्ट करो, भाई बहुत मेहनत कर रहा है यार, आग लगा रहे हैं भाई, इसके चैनल को सारे शेयर करो, दबा कर चला दो वीडियो। में इवेंट भी है तो आपको ऑल द बेस्ट भैया। कोई बात नहीं जिंदगी तो भैया आपको 10K के लिए बेमॉल में इतना रश है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, पर हमें स्पेशली मीटअप करने के लिए आया था रक्षण भैया भैया से, जो कि उधमपुर से आए हैं, और सरस्वती मैम से भी कर दिया, और सौरभ भैया जो कि मैंने मतलब कि ब्लॉग्स उनके बनाए हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, वेब में मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। मैं सीधे अपना काम उनसे मिल लिया, मीटअप कर लिया, तो बस थोड़ा सा निकलते अब मैं चलता हूँ सीधे घर पर, और ये व्यू है पूरा बेमॉल का, मैं आपको बता देता हूँ ऊपर वाला। तो यहाँ पर मतलब कि बकरोल भैया सौरभ भैया ने यहाँ पर मीटअप भी किया था फूड ब्लॉगर्स का, तो मैं साइड पे आके वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज अंदर कोई जगह नहीं है बनाने के लिए, तो चलो मैं आपको बताता हूँ जगह। सुबह से पूरा फूड कोर्ट है और मैं यहाँ आके वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मास्क भी कम लोगों ने डाले हुए हैं, प्रिकॉशन बिल्कुल कम है और रश काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये पूरा व्यू अपने जम्मू का। सुबह से रक्षण भैया की परफॉर्मेंस होनी है, बट पता नहीं कब होगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने पानी की बोतल ले ली हुई है यहाँ गई थी, वो अभी तक रक्षित भैया के परफॉर्मेंस में रही है, तो उसके बाद हम मे भी अगर हो सके मैं दिखाऊंगा, बट पक्का नहीं कर सकता। तो व्लॉगिंग भी करनी पड़ रही है साइड पे आके, क्योंकि इतना रश हो रहा है ना यहाँ पर। तो बस मीटअप थोड़ा कर लिया रक्षित भैया से, मिल लिया क्योंकि 10K फॉलोअर्स मीट हो चुके हैं, तो भैया आपको कॉन्ग्रेट्स, और बकरोल टीवी सौरभ भैया वगैरह सारे इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया हुआ है। बस रहता हूँ मैं घर, अगर हो सके मैं उनका दिखा दूंगा आपको, क्या नाम है रक्षित भैया का इवेंट वगैरह, जो काफ़ी ज़्यादा मजाक करते हैं, प्रैंक वीडियो की बहुत सही होती है, स्नेक वाली वगैरह सारी कुछ। तो बस यही था आज का हैप्पी क्रिसमस अगेन, मास्क ऊपर ही कर लेते हैं, चलो चलते हैं, थोड़ा बता देता हूँ अगर आपको क्या रहता है। आप आखिर देखना चाहें, चेक करना चाहें और जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पर मैं
यहाँ से आप ले सकते हैं। और प्रीत सैलून की स्पेशल बुक्स जो है जिसमें बहुत सारे ढेर सारे ऑफर है वो भी आप ले सकते हैं। नवीन जी हैं यहाँ पर, इनके पास भी आ सकते हैं। तो आ जाओ, शाम तक एक बार है 6 बजे तक, तो कोई चक्कर नहीं है, यहीं पर है। सो गाइस, रक्षित भैया से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने काफ़ी अच्छा इवेंट किया वेव मॉल में, तो काफ़ी इन्होंने हंसाया, एंटरटेन किया। तो भैया आपको बेस्ट ऑफ लक, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी होए भाई। इतनी सेटिस्फेक्शन हुई, कसम से कह रहा हूँ यार, मतलब नहीं सेटिस्फेक्शन होती है ना भाई यार से। मैं इतनी चीजें सोच के यार ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन भाई नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। पहली बार भाई ने कभी लाइव फॉर्म किया इतने लोगों के सामने, कोई 2-3-4 हजार बंदा होगा भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलो गलती होगी, इंसान सीखता है। आने वाले टाइम में यूट्यूब फैन फेस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आग लगा देंगे यार, कोई चक्कर नहीं। बाकी भैया भाई के चैनल को सपोर्ट करो, भाई बहुत मेहनत कर रहा है यार, आग लगा रहा है भाई। इसके चैनल को सारे शेयर करो, दबाकर चला दो वीडियो बस भाई। ओके थैंक यू यार। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बस यही रहा थोड़ा सा आज कि मैंने रक्षित भैया के साथ व्लॉग बनाया थोड़ा सा, और काफ़ी अच्छे भी हैं यार, मतलब कि इतना एंटरटेन करते हैं ना भैया, मैं कह नहीं सकता। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने वीडियो बनाई, मतलब कि इतना अच्छा एंटरटेन किया सबको। तो बस यही रहा, और क्या बताऊँ, वे मॉल इतना रश हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकता आपको। आज पैर रखने की जगह नहीं थी, बट तब भी हम आए रक्षित भैया के लिए और ग्लोबल टीवी जो कि सौरभ भैया उनके लिए। तो बस यही था, प्लीज़ गाइस लाइक तो बनता ही है यार, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी शेयर करो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाऊंगा। तो बस रक्षित भैया मेरे साथ पीछे ही है, अभी गाड़ी में ही है। तो बस, तो करते हैं ब्लॉग को एंड। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे शर्मा ब्लॉग्स। बाय।